बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक टाइप है, क्योंकि होम्योस्टेसिस की थ्री टाइप्स है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, एंड ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन वाटर एंड सोल्यूट विद इन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करेंगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहेंगे। इसी तरह अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन के फिर हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड सेकेंड इज़ ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। इसी तरह अगर हम ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स की बात करते हैं, तो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स में ये होता है कि इनके इंटरनल इन्वायरमेंट में सोल्यूट कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर इनके बॉडी में कोई वाटर आ रहा है, तो जितना वाटर आ रहा है तो उतने ही वाटर ये बॉडी से रिलीज़ भी करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर इनके बॉडी में सोल्यूट आ रहा है, तो उतने ही सोल्यूट ये बॉडी से रिलीज़ भी करेंगे। मतलब ये एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, इन दोनों का एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट वो सेम होता है, तो इसी बेस पे इनको हम कहते हैं कि दे आर आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसी तरह अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे मेरीन्स एनिमल्स हैं जो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। तो मेरीन्स एनिमल्स में हमारे पास शार्क आता है, इसमें हमारे पास टेलियोस्ट आता है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो साइक्लोस्ट्रोमस होते हैं, मतलब साइक्लोस्ट्रोमस आपके पास ये फर्स्ट ईयर में है कि साइक्लोस्ट्रोमस आपके पास वो फिशेस होते हैं जिनका माउथ हमारे पास सर्कुलर होता है। तो चाहे आपके पास साइक्लोस्ट्रोमस है या इसके साथ साथ आपके पास टेलियोस्ट है, तो ये सारे हमारे पास आते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स। लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स की बात करते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स में ये नहीं होता। दो बातें हैं, या तो इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज़्यादा होगा, या इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट ज़्यादा होगा। अगर इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट ज़्यादा होगा, सो देट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, या अगर इनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट कम होगा, सो देट विल बी ऑफ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब जो भी है ऑस्मो रेगुलेशन में, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं कि इनके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के दरमियान सोल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होता, और इसी बेस पे ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रोसेस को हमने कहना होता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं, तो एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑस्मो रेगुलेटर्स आर All fresh water animals, most of the marine animals, और इसके साथ साथ all terrestrial animals, ये सारे हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। हम पहले आएंगे कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हमारे पास किस तरह अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में सोल्यूट और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। अच्छा, अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स की तरफ आते हैं, तो देखें अगर आप इस फिश को देख रहे हैं, ये फ्रेश वाटर में रह रहा है, और फ्रेश वाटर हमारे पास वो वाटर होता है जिसको हम पी सकते हैं। अब चूंकि ये फ्रेश वाटर फिश ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे हमारे पास सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देखिए इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, तो इसी बेस पे इस फिश के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हमने कहना होगा देट विल बी ऑफ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। मतलब हाइपो मीन्स के कम, तो कम इनमें सोल्यूट होगा और वाटर हमारे पास ज़्यादा होगा। अब होता क्या है कि इन द केस अब फ्रेश वाटर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर ज़्यादा है, तो जब भी इसके बॉडी में वाटर आएगा, तो वाटर तो ज़्यादा होगा लेकिन सोल्यूट कम आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। अब इसके लिए दो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जब इसके बॉडी में वाटर आएगा, तो देखिए
एक जैसी वाटर ज़्यादा आएगा तो इसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें स्वेलिंग हो सकती है। सो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो फ्रेश वाटर एनिमल्स फेस करते हैं कि इनमें स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, चूँकि ऑलरेडी इनके बॉडी में जो सोल्यूट आ रहा है वो कम है, तो इस टाइम ये कोशिश करेंगे कि सोल्यूट तो ऑलरेडी कम आ रहा है, तो इस टाइम इनकी जो कोशिश होगी कि वो सोल्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सके, मेंटेन कर सके। तो दो प्रॉब्लम है, एक तो हमारे पास वाटर ज़्यादा हो रहा है और दूसरा हमारे पास इनमें सोल्यूट कम आ रहा है। अब ये जो दो प्रॉब्लम्स है, इन्होंने इन दो प्रॉब्लम्स को ओवरकम किस तरह किया हुआ है, इसके रिज़ल्ट में ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन। देखिए, डाइल्यूट यूरिन के थ्रू जो इनके पास टू प्रॉब्लम आ रही थी, वाटर का ज़्यादा होना और सोल्यूट का कम होना, इसी दो प्रॉब्लम्स के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन में हमारे पास वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए, एक तो इनके पास जो प्रॉब्लम थी कि वाटर ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी रिज़ल्ट में ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूट यूरिन रिलीज़ करेंगे, फर्स्ट प्रॉब्लम। आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम इनके पास ये था कि इनको ये डिफ़िकल्टी फेस करनी थी कि कहीं सोल्यूट लॉस ना हो, तो सोल्यूट कम से कम लॉस होने के लिए ये प्रोड्यूस कर रहे हैं डाइल्यूट यूरिन। तो डाइल्यूट यूरिन में सोल्यूट कम, वाटर ज़्यादा। सो यहाँ पे ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करके अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करेंगे और यही हमारे पास इनका होम्योस्टेसिस होता है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि चूँकि ऑलरेडी हमारे पास इनके बॉडी में वाटर ज़्यादा आ रहा है और इनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी वाटर ज़्यादा है, तो इस वजह से ज़्यादा ये जो वाटर होता है ये इनके बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर हो जाता है, तो इस वजह से इनको फिर पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब इसका ये मतलब नहीं कि मतलब ये पानी नहीं पीते, इसके नतीजे में इसके टोटली अपोजिट कंडीशन में ये जो वाटर लेते हैं वो असल में वो इनके स्किन के थ्रू एंटर होता है, तो इनके स्किन के थ्रू इतना वाटर एंटर हो जाता है कि बाद में इनको पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती, तो इस वजह से ये फिर वाटर की इनटेक माउथ के थ्रू नहीं करते। ऑलरेडी इनके बॉडी में जो वाटर आ रहा है वो इनके स्किन के थ्रू आ रहा है, तो इसी वजह से इनको पानी पीने की ज़रूरत भी नहीं होती। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो एम्फीबियंस होते हैं, तो इस एम्फीबियंस में हमारे पास इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको हमने कहना होता है आइनोसाइट। यही वो आइनोसाइट सेल होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा साल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। सही, ये आपके पास ऐसे सेल होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा साल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि इनके बॉडी में किस चीज़ की डिफिशेंसी आ रही है, वाट इस इनके बॉडी में आ रही है सोल्यूट डिफिशेंसी। तो सोल्यूट डिफिशेंसी को ओवरकम करने के लिए इनमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं आइनोसाइट। अच्छा, इसी तरह अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन फिश की बात करते हैं, तो इसी डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि अब अगर हमारे पास एक मेरीन फिश है जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है। सही, मतलब वाटर है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सोल्यूट कम है। अब अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हमारे पास सोल्यूट ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो ऐसे एनवायरनमेंट को फिर हम कहते हैं हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट हमें मेरीन एनवायरनमेंट मिलता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास इस फिश की तरफ देख लें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक। अब क्या होगा, देखिए, एक तो जब इसके बॉडी में वाटर आएगा तो उस वाटर में वाटर अपना कम होगा, सोल्यूट ज़्यादा होगा। टू प्रॉब्लम इसके लिए अराइज होंगी। एक प्रॉब्लम इसके लिए ये होगी कि इसके बॉडी में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी और इसके साथ साथ वाटर कम आ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूट ज़्यादा होना और हमारे पास वाटर का कम होना। तो इसी तरह इस टू प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। तो जब इनमें हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो देखिए प्रॉब्लम इसके पास क्या थी, प्रॉब्लम इसके पास ये थी कि सोल्यूट का ज़्यादा होना, तो रिज़ल्ट में कंसंट्रेटेड यूरिन में सोल्यूट ज़्यादा हो जाता है। फर्स्ट प्रॉब्लम ये ख़त्म कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इनके पास क्या था कि वाटर ज़्यादा आ रहा, वाटर कम आ रहा था, तो फिर क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन अगेन, तो कंसंट्रेटेड यूरिन में वाटर
कम होता है। तो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके एक तो ये सोल्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा निकाल रहे हैं और इसके साथ साथ वाटर को भी कंजर्व कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कुछ मेरीन फिशेज़ होते हैं जिनमें हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड, जिनमें हमारे पास रेक्टल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। अब ये रेक्टल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है, देखिए इन मेरीन फिश में रेक्टल ग्लैंड वो ग्लैंड होगा जो इनके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से साल्ट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही इनके बॉडी से ये साल्ट एब्जॉर्ब होगा तो यही हमारे पास वो रेक्टल ग्लैंड ही होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट को रिलीज़ करेंगे। जिस तरह आपके पास फ्रेश वाटर में हमारे पास आयनोसाइट होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सोल्यूट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी तरह जो हमारे पास इन द केस ऑफ मेरीन एनिमल्स होते हैं इनमें हमारे पास रेक्टल ग्लैंड होता है। अगेन ये वही ग्लैंड होता है जो इंटरनल एनवायरनमेंट से सोल्यूट को एब्जॉर्ब करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं। अब ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके और रेक्टल ग्लैंड साल को एक्सक्रीट करके इनके इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट और वाटर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन, और फिर हमने ऑस्मोरेगुलेशन की टाइप्स पढ़ी कि ऑस्मोरेगुलेटर किसे कहते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स किसे कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ लिया कि फ्रेश वाटर एनिमल्स किस तरह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट और वाटर को मेंटेन करते हैं, और इसी तरह जो मेरीन एनिमल्स होते हैं वो किस तरह अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करते हैं।